ये समुंदर का एक छोटा सा किनारा है जिसको इन्होंने अंदर ला के एक रिवर बनाया है। समुंदर पास में ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। फिर उसने गवर्नमेंट ने इसको रिवर कैन बनाया है, सब लोग आते हैं इधर घूमते हैं। उसको कितना क्लीन रखा है गया है, एकदम पानी दिखेगा आपको, स्वच्छ साफ पानी है इसके अंदर। इधर से फिल्टर पानी भी आता है पर डे, सुबह 4-5 घंटे, शाम को भी 4-5 घंटे आता है। पानी लेवल मेंटेन करने के लिए पानी छोड़ा जाता है। कम से कम ये इन्होंने 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया है ऐसा व्यू, चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, बच्चे को प्ले एरिया है, गेफ्ट एरिया है, रेस्टोरेंट है, खाने के लिए है, गेस्ट हाउस है। इन्होंने ऐसे इस पर गाइडलाइन भी लिखा हुआ है क्या क्या इस साइड में है, कि ये आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट सब स्ट्रेट इसमें लिखा हुआ है। गेस्ट हाउस भी इधर है, आपको सामने ये गेस्ट हाउस भी दिख जाएगा। ये रेस्टोरेंट है, ये अपने इंडिया का रेस्टोरेंट है। शाम को यहाँ पर टी बहुत अच्छा मिलता है, कभी आपको आके यहाँ पर टी पी के जाइए। मैं आपको इसका अंदर का व्यू कल दिखाऊंगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। मेरा नाम ईशु कुमार, दुबई टूर विद ईशु कुमार। ये एक भाई 100 की स्पीड से जा रहा है, ऐसे लग रहा है अभी ओलंपिक में जाएगा खेलने के लिए। वो चला गया, देखो आप भाई साहब ने शॉप ओपन करी है अभी, तो सब कुछ डेकोरेट कर रहे हैं। चलो सर, मॉर्निंग वॉक पर आया था, वॉक हो गई है, अब घर की ओर जा रहा हूँ। कल और मिलते हैं मॉर्निंग में, या आज शाम को और मिलते हैं इवनिंग में। इवनिंग में वॉकिंग करूँगा तभी मैं आपको बताऊँगा। चलते चलते एक चीज़ याद आ गई आपको, मैं साइकिल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये साइकिल भी ऑटोमेटिक सिस्टम से है, आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एक मिनट आप चलो रखो, ऐसे मैं पहले बताऊंगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इसका नज़ारा ले, ऐसा अपने इंडिया में हर गवर्नमेंट एक कैनाल जैसा कुछ बनाए, वहाँ पर बोटिंग का करे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा इंडिया में। और इतना पैसा अपने पास है नहीं, ये गल्फ कंट्री इसमें पैसे पैसे इनके पास है। मैं आपको बोल रहा था साइकिल के बारे में, ये एक साइकिल का सिस्टम है। ऐसा सिस्टम मैंने गुजरात में भी देखा है, सूरत में। सूरत में सेम साइकिल का सिस्टम है, पर साइकिल वहाँ पर क्या है, मिस हो जाती है, कोई लेके जाता है फिर वापस रखता नहीं है। अभी वो साइकिल स्टैंड भी आधा खाली हो गया है गुजरात में, सूरत में है और कई भी स्टेट में है, पर यहाँ पर मिस नहीं होता, क्योंकि ये पहले ही अपन से 5,000 रुपया इंडिया के करेंसी में ये डिपॉजिट लेते हैं। ई बाइक साइकिल है, ई बाइक है, ये क्रीम का एप्लीकेशन है। आपको प्ले स्टोर में या गूगल में जाके ये डाउनलोड करना है। इसमें से आप फिर आप स्कैन करोगे यहाँ पर, तो आपको ये साइकिल मिल जाएगी। यहाँ से स्कैन हो जाएगा आपका, बारकोड सिस्टम यहाँ पर है, साइकिल नंबर है। इधर से आप स्कैन करोगे तो आपका बाइक यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, जैसे ये भाई का हुआ है लेके गया। फिर आप इसको 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी यूज़ करो, वापस यहाँ पर लॉक करोगे तब अपना चार्ज कटेगा आपका, तब तक चार्ज नहीं कटेगा। नहीं अनलॉक करोगे तो आपको 5,000 पूरा चला जाएगी। ये भी एक स्कूटर है इलेक्ट्रॉनिक, इसका भी सेम सिस्टम है, QR कोड लगा हुआ है इस उधर। ये भी QR कोड पर चलते हैं, 2 अलग 3 अलग कंपनी का है, एक बहुत कंपनी का चलता है इधर। इन्होंने भी ऐसा लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट टाइम 50% ऑफ इन द राइडिंग, सेकेंड टाइम 15%, 23 राइड्स इन्होंने एप्लीकेशन पर लिखा हुआ है। आप भी राइड लो, इन्जॉय करो। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।